अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब होप कि आप सब ठीक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे तो मैं आज करने जा रही हूँ रमज़ान की प्रेप्रेशन ये मेरे स्टाइल में कि मैं जब रमज़ान आता है तो मैं कैसे जो हूँ वो सब्ज़ियों वगैरह को जो है वो स्टोर करती हूँ और टाइम की इससे बचत भी होगी आपकी रमज़ान में तो बस वो मैं धनिया वगैरह लेकर आई हूँ धनिया और पुदीना है इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो मैं वॉश कर लूँगी ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो सारी निकल जाए अब मैं इसे जो है वो इसका पानी निकालने के लिए इस से बास्केट में ही रख दूँगी फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली है उसको मैं जूलियन आ, कट करूँगी वो करने के बाद फिर मैं इसे क्यूब्स में भी जो है वो करूँगी तो ये दोनों तरह में आपको जो है वो स्पैगेटी में भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा पास्ता और जो भी है उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल हो जाएगा बस मैं इसे एयर टाइट बैग लेके उसमें जो है वो इसे डाल रही हूँ फिर उसके बाद रेड पेपर है इसको भी मैं क्यूब्स में काट लूँगी क्यूब्स में काटने के बाद जो है वो इसको मैं अब बैग में डाल लूँगी इसे फ्रीज करने के लिए आपने इसे बैग में डाल के और फिर जो बैग की हवा निकाल देनी है और इसे जो है वो पूरा प्लेन जो है वो कर देना है ठीक है यहाँ पे मैंने गाजरें ली हैं गाजरें जो है वो मैंने दो तरह से काटी हैं एक मैंने जूलियन कट काटा है और एक मैंने क्यूब्स में जो है वो काट ली हैं ठीक है उसके बाद जो है वो काटने के बाद बस मैंने इसे जो है वो पैक कर लिया है स्टोर कर लिया है इसको तो ये देखिए कितनी अच्छे से जो है वो स्टोर हो चुकी हैं बैग में तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है इसके मैंने डंडल वगैरह काट लिए हैं अब जो ख़राब धनिया है वो मैं निकाल रही हूँ इसमें से निकालने के बाद इसे साफ़ करके फिर मैं इसे टिशू से जो है वो अच्छी तरह से जो गीलापन रह गया उसका वो मैं साफ़ कर रही हूँ साफ़ करने के बाद आपने एक टिशू ले लेना है उसमें जो है वो इसे रोल कर देना है यानी इसे पैक कर देना है पैक करने के बाद जो है वो आपने इसको एक जिप बैग में डाल देना है या फिर आप कोई भी बॉक्स ले लें प्लास्टिक का जो डब्बे होते हैं आप उसमें भी इसे स्टोर कर सकते हैं तो ये आराम से जो है वो आपका पंद्रह बीस दिन जो है इस तरह निकाल देगा और कुछ जो है वो धनिया मैंने आ, काट लिया है वैसे मोटा मोटा ये मैं इस्तेमाल करूँगी चटनी बनाने में तो यहाँ पर मैंने पुदीने की एक गट्ठी ली है इसको जो है वो मैं खोल के इसके पत्ते जो ख़राब है वो अलहदा कर दूँगी और जो साफ पत्ते हैं वो मैं उतार लूँगी क्योंकि जो इसकी डंडल होते हैं वो सख्त होते हैं वो चक्की में इस्तेमाल नहीं होते वो कड़वे होते हैं तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो हैं वो इसके पत्ते मैंने निकाल लिए हैं और उसे मैं अच्छी तरह से टिशू से साफ़ कर रही हूँ ताकि इसका गीलापन जो है वो साफ़ हो जाए बस फिर मैं इसे रोल कर रही हूँ टिशू में ताकि ये ख़राब ना हो आप आसानी से जो है वो इसे इस्तेमाल कर सके तो बस ये पूरा रमज़ान भी गुज़र जाएगा आपका और पंद्रह बीस दिन जितने भी हैं वो ये इसमें जो है वो सेफ़ रहेंगे आसानी से जो है वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया वॉश करने के बाद इसकी जो ऊपर डंडियाँ होती हैं वो आपने तोड़ लेनी है तोड़ने के बाद जो है वो आपने इसे बैग में या कोई भी जो आपके पास जो वो है डब्बा वगैरह उसमें जो आप उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन मुझे ये इजी रहते हैं बैग ही आसानी से जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं तो मैं इसी में ही डाल के इसे स्टोर करूँगी फ्रिज में ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने फ्रीज़ करने वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो वो भी हैं और जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो मैंने सारी जो है वो कर ली हैं तो ये मेरा रमज़ान जो है वो आराम सुकून से जो है वो गुजर जाएगा इससे टाइम की बचत भी होगी उसके बाद मैंने हरी चटनी बनाने के लिए हरा धनिया लिया है पुदीना लिया है उसमें दो तीन जवे लहसुन के डाले हैं और साथ में नमक डाला है और पानी जो है वो आपने बहुत कम डालना है ज़्यादा नहीं डालना है ये मैंने जो है वो थोड़ी थिक बनाई है तो ये थिक जो है वो अच्छी रहती है अब अगर पानी ज़रा डालेंगे तो बहुत ही पानी पानी हो जाएगा तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने चटनी बना ली है तो बस मैं इसे आज फ्रीज़ कर दूँगी और यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही हूँ मैंने चिकन दी है दाल ली है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है कोटी लाल मिर्च हल्दी और गर्म मसाला और पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने जो है वो इसमें डाल दी है मैं जो हूँ वो चिकन की बनाती हूँ और मज़े के बनते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देना है तो यहाँ पे मैंने आलू के कटलेस भी बनाए हैं इसमें मैंने चिकन जो है वो डाला है तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और साथ में यहाँ पे मेरे शामी कबाब भी तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की जो है वो इसकी लुक लग रही है तो बस फिर आप इसको जो है वो फ्रीज़ कर लें <coughs> उसके बाद जो है वो मैंने दाल ली है आधा कप और दाल मूंग ली है आधा कप इसे चार घंटे आप भिगोले और इसे भिगोने के बाद जो है वो आप इसे ग्राइंडर में डालें और पीसें इसमें मैंने नमक डाला है लहसन का पेस्ट डाला है और धनिया पाउडर जो है वो डाला है और आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ज़्यादा नहीं डालें ये मैं डाल बना रही हूँ ये बहुत ही अच्छे जो है वो घर पर बन जाते हैं और ये रमज़ान की जो है वो बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है बस इसे ग्राइंड करने के बाद जो है वो आपने इसे बाउल में डालना है बाउल में डालने के बाद जो है वो इसमें आधी चाय के जो चम्मच है उसमें बेकिंग सोडा डाल देना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उस बैटर को मिक्स करने के बाद उसे आपने आधा घंटा जो है वो रख देना है आधे घंटे के बाद जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बस आपने स्पून लेना है आप हाथ से भी कर सकते हैं चम्मच से भी कर सकते हैं मैं इसे जो है वो चम्मच से इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा जो है वो आपने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो आपने इसे फ्राई करना है ज़्यादा तेज़ आँच पर करेंगे तो वो क्या होगा कि वो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है वो कच्चे रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है मेरे बहुत ही अच्छे से जो है वो भले जो है वो तैयार हो चुके हैं बहुत ही अच्छा सा जो कलर आ चुका है बस अब मैं इसको निकालूँगी प्लेट में प्लेट में निकालने के बाद जो है मैं इसको अब रख दूँगी ठंडे होने के लिए यानी कि ये ठंडे हो जाएंगे और फिर जो है वो मैं इसे फ्रीज जो है वो कर दूंगी तो ये रमज़ान की रेसिपी जो है वो मेरी तैयार हो चुकी है बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही अच्छा सा जो है ये देखिए कलर आ चुका है आप भी ये ज़रूर बनाइएगा ये बहुत ही अच्छे लगते हैं रमज़ान में ठीक है उसके बाद मैं बनाऊंगी कोफ्ते कोफ्ते मैंने कीमा लिया है उसमें नमक डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और फिर मैंने हरी मिर्ची डाली हैं पाँच छः और फिर उसके बाद जो है मैं डालूँगी धनिया धनिया डालने के बाद फिर मैं डालूँगी साथ ही प्याज़ उसके बाद जो है मैं इसे अच्छी तरह से बारीक कर लूँगी चॉपर में और मैंने जो है वो इसमें एक ब्रेड ब्रेड का स्लाइस भी डाला था और अब मैं अंडा भी डाल रही हूँ कि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए ताकि टूटे ना ठीक है आप अंडा ने, अंडा भी डाल सकते हैं और ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं मैंने दोनों डाले हैं तो बस इसे अच्छी तरह से जो है वो पीस लेंगे इसका जो है वो बन जाए जैसे शामी का होता है ना वैसे ये पीसा जाए अच्छी तरह से तो बस यहाँ पे कितना अच्छा सा जो है वो बारीक बहुत बारीक हो चुका है तो बारीक होने के बाद तो मैं इसके बॉल बना लूँगी मैं मीडियम साइज़ के बना लूँगी आपको जितने पसंद होंगे आप उतने बनाएँ पहले मैं हाथों को अच्छी तरह से तेल लगाऊँगी तेल लगाने के बाद जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से उसके बॉल बना लूँगी फिर यहाँ पर मेरे जो हैं वो बॉल बन चुके हैं बस ये मेरी वीडियो थी मैंने सोचा कि मैं आप सब से जो हूँ वो अपने रमज़ान की रेसिपी शेयर कर दूँ आई होप कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़